अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि AFIC आर्म्ड फोर्स इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी में अप्लाई करने का क्या तरीका है, इसका फॉर्म किस तरह से निकाल के फिल करना है, क्योंकि ये ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको प्रिंट करवा के अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लगा के सबमिट करवाएंगे। तो चलिए व्यूअर्स, हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे, उसके सर्च बार में हम सर्च करेंगे करियर डेस्क 24.com। सर्च करने के बाद आपके सामने ये एक पेज ओपन होगा। सबसे पहले डेस्क को हमने सिलेक्ट कर लेना है। अब आपके सामने एक पेज ओपन हो गया। यहाँ व्यूअर्स, इस पेज में आपने AFIC की जॉब ढूंढनी है पहले। जी व्यूअर्स, तो आपके सामने ये है पाकिस्तान आर्मी AFIC, इसको हमने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने ये एक पेज ओपन होगा। इस पेज को हमने आगे लेके जाना है। यहाँ पे आप इसकी डेट मेंशन हो रही है, ओपन डेट 4 जुलाई को और लास्ट डेट है 18 जुलाई 2021। नीचे जाएंगे हम, यहाँ पे गेट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जी व्यूअर्स, इसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो गया। अब आपने देखना है इसको कि आप इसका फॉर्म जो है वो किस तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ पे टॉप पे आपको नज़र आ रहे हैं थोड़े से ऑप्शंस हैं, यहाँ से आपने न्यू जॉब्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास जो इंटरफेस ओपन होगा, इस पे उन्होंने आपको दी हुई है डिफरेंट किस्म की जॉब्स हैं, जिसमें भी आपने अप्लाई करना है, उसकी क्वालिफिकेशंस के रिक्वायरमेंट सब उन्होंने दिए हुए हैं, एज वगैरह सब कुछ मेंशन है। अब यहाँ टॉप पे आपको नज़र आ रहा है डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, इसको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे पहले आपने अपनी पिक्चर देनी है, उसके बाद जो पोस्ट आपने सिलेक्ट करनी है वो लिखनी है। यहाँ पे व्यूअर्स, यहाँ पे आपने अपना नेम देना है ब्लॉक लेटर्स में, उसके बाद अपना फादर नेम देना है, ये भी ब्लॉक लेटर्स में, फिर आपने अपना CNIC देना है। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है, एज देनी है, रिलीजन बताना है कि आप मुस्लिम हैं नॉन मुस्लिम हैं, स्टेटस बताना है मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, डोमिसाइल बताना है, अपने सूबे का नेम बताना है जिस सूबे में आपका डोमिसाइल बना है, जेंडर बताना है आपने फीमेल है मेल है, नीचे आपने मोबाइल नंबर देना है अपना। यहाँ पे आपने अपनी ईमेल देनी है, फ़ोन नंबर देना है, डिसेबिलिटी बतानी है आपने अपनी, और नीचे बताना है कि आप गवर्नमेंट सर्विस के एम्प्लॉय हैं या नहीं हैं, या आप आर्मी में रिटायर्ड तो नहीं हो चुके, ये बताना है आपने। नीचे आपने अपना पोस्टल एड्रेस देना है और उससे नीचे परमानेंट एड्रेस लिखना है, और फिर आपने अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है, मिडिल, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर, डिप्लोमा वगैरह जो भी आपने किया है वो बताना है, पासिंग ईयर बताना है, मेजर सब्जेक्ट बताने हैं, डिवीन बताना है, टोटल मार्क्स, अपटेन मार्क्स, यूनिवर्सिटी बतानी है अपनी, बोर्ड बताना है। उसके बाद नीचे आपने अपना प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स बताना है, अगर आपने कहीं पहले जॉब की हुई है तो वो बतानी है आपने कि कितनी देर की है, क्या जॉब की है और टाइमिंग क्या थी जॉब की। नीचे आपने डेट देनी है, सिग्नेचर देने हैं अपने, और इस तरह से आपने अपना फॉर्म फिल करके इसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आपने सबमिट करवा देना है, और साथ में अपनी फ़ीस भी आपने सबमिट करवा देनी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।